जिदा डरसी वही होया, यही यही था, यही था, समझ गए? हाँ वही था। बात यह है कि इंग्लैंड की सीरीज शदीद खतरे में है, पाकिस्तान शायद इंग्लैंड की सीरीज होस्ट ना कर सके। पूरी दुनिया देख रही है, आईसीसी देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं, ये किस तरह के लोग हैं जो एक टीम को। ये इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज जो है हो सकता है श्रीलंका या यूएई में शिफ्ट हो जाए। अब इंग्लैंड ने क्लियर कट बोल दिया है कि सर हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, टूर कैंसिल हो गया। इस टाइम तो भारत बहाना ढूंढ रहा है, वो यही कहेगा कि भाई आपने सिक्योरिटी की वजह से ये बहाना बनाया कि ग्राउंड हमारे अपग्रेड हो रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं हम यूएई अपनी टेस्ट सीरीज खेलने। इंग्लैंड का जो टूर पाकिस्तान है वो 7 अक्टूबर से एक्चुअल में शुरू होना है। पहला टेस्ट मैच जो मुल्तान में स्केड्यूल है, दूसरा 15 अक्टूबर को जो कराची में स्केड्यूल है, तीसरा 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में स्केड्यूल है। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बता दिया है ईसीबी को कि हम कराची में मैच नहीं करा सकते। पाकिस्तान में कोई चीज बगैर ड्रामे की नहीं हो सकती है, मैंने नोट किया। कुछ भी आप कर लें जब तक कंट्रोवर्सी ना आए, तो लोग हम पे हंसे ना, हमारा मजाक ना। घंटे के आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, घटिया तरीन हरकत हो गई है कि आप पाकिस्तान की जगह आप अबू धाबी में मैचेस करवा रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ना मुश्तरका आईक्यू लेवल का अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि इंग्लैंड की जो 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज है ना, उसको पाकिस्तान में होस्ट करने के लाले पड़े। तो आपके पास ऑप्शन तो होने चाहिए, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप दूसरों को देखो। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इंग्लैंड का टूर कैंसिल करने की हिंट दे दी। तो यही बातें होती हैं, यही चीजें होती हैं जब हम कहते हैं, जब आप प्लानिंग के बगैर चीजें इनिशिएट कर लेते हैं, बगैर मतलब सोचे समझे। इनको जेब देता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की भोंडी हरकतें करें, पूरी दुनिया को मालूम है। इसका मतलब है कि आपकी कंट्री इस काबिल नहीं कि उधर इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए। इसका मतलब अभी बांग्लादेश आई है, आवाम नहीं आ सकी, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज में हम चाह रहे थे कि लोगों को इकट्ठा करें, कनेक्ट करें, लोग यहाँ पे आए। चेयरमैन साहब ने कैटेगोरिकली ये ऑलरेडी बोला हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान में होगी, बोला है ना, ऑन रिकॉर्ड है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अब चेयरमैन साहब किस तरह ये जो इंग्लैंड की सीरीज है ये दोबारा पाकिस्तान में करवाएंगे। ये एक चैलेंज होगा, ये चैलेंज होगा और उनको करवानी पड़ेगी, क्योंकि अब बार बार जब आप जो है ना बगैर सोचे समझे और प्लान किए चीजें और बयान दे देते हैं, पहले भी आप ऐसे ही किया कि थोड़ा सा आप यू टर्न हो गए, अभी इस दफा अगर फिर आपने यू टर्न लिया और आपने कुछ भी वजह बताई कि यू नो ये वजह है और हमने अपनी सीरीज को शिफ्ट कर रहे हैं, तो फैंस बड़े मायूस होंगे दोबारा से, और जहां पे हमारी क्रिकेट पहुंच गई है ये चीज कोई हेल्प करेगी नहीं। एटलीस्ट यहाँ पे ये होता है, बेशक हमारी टीम यू नो कंडीशंस का फायदा उठा सके या ना उठा सके वो तो एक अलग हाल है, लेकिन हमने तो यू नो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अपने प्लेयर्स को देनी है ना, जहां पे एटलीस्ट हम अपनी मर्जी के पिच तो बना सके, जहां पे मर्जी से चीजें थोड़ी सी डिक्टेट करने के चांसेस तो हो जाए, यही चांस होते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड की सीरीज यहाँ पे ना हुई तो ये भी यू नो हम हाथ धो बैठेंगे इस, ये जो छोटे छोटे हमें एडवांटेजेस होम सीरीज की होते हैं, फिर पैसे का ज्या ऑब्वियसली, या फिर आपको जिस मुल्क में लेके जाएंगे रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा आपको। देखिए जी, फ्रस्ट्रेशन क्या आपकी बेइज्जती है, आपकी जगह सही है, मतलब मैं पूरी दुनिया को आप मैसेज दे रहे हैं कि माशाल्लाह जो सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के शेड्यूल में, यानी 2 साल पहले आपको पता होता है कौन सी चीज कहाँ होनी है, वल्लाह की मेहरबानी से आपको पता ही नहीं। आपको पता है कि इतनी जल्दी पाकिस्तान का दुनिया, आप अगर यहाँ पे फर्ज करें तो नाली खुदवा रहे हैं, एक ऐसी साफ सुथरी घर है, आपको खुरक हुई, एक नाली खुदवा रहे, एक दफा मिस्त्री आपके घर में घुस गया ना, घुसेगा आपकी मर्जी से, निकलेगा फिर वो निकलेगा अपनी मर्जी से। भाई आपको पता है आप एक, अब मुझे नहीं पता, क्या तो नकवी साहब यही रहते, छोटा सा काम है, छोटा सा काम है, वो साइटनिंग ठीक नहीं है, आईसीसी के वक्त ने कराची में कहा था थोड़ा सा उसका, बस वो छोटा सा काम है, छोटा सा काम है। मोहसिन साहब अभी 2 महीने गुजर चुके हैं, वो छोटा सा। भाई इंग्लैंड ने साफ लफ्जों में बोला कि हम लोग नहीं आ रहे, वो साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हम लोग नहीं आ रहे। यार आप लोग मुझे बता दो, जितने भाई देख रहे हो, तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 के हवाले से हम आपसे बात कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 दिन ब दिन जैसे ही करीब आती जा रही है, वैसे ही चैंपियन ट्रॉफी 2025 का काम डाउन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इधर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कुछ लोग, कुछ मीडिया के मैसरीन जो हैं वो कहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान का टूर करेगी, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान का टूर नहीं करेगी। और दूसरी जानिब जो भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उन्होंने तो पक्का दावा किया हुआ है कि इंडियन टीम पाकिस्तान का टूर नहीं करने जा रही, और इस हवाले से अभी तक बीसीसीआई ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। आईसीसी का अलबत्ता जो वक्त है वो